पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच नंबर 26 सीधा आ रहा है चेन्नई से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको बताते हैं हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट, कौन है टॉप प्लेयर्स, क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सजेशन पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम ओपन करेंगे परफेक्ट लाइनअप ऐप। अगर आपने अभी तक परफेक्ट लाइनअप ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अभी डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परफेक्ट लाइनअप ऐप पर आपको मिलता है हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस, और साथ ही साथ आपको मिलती हैं एआई जनरेटेड टीम्स भी, जिन्हें आप अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फैंटेसी खेलना हो गया है बहुत आसान परफेक्ट लाइनअप के साथ। तो हम परफेक्ट लाइनअप ऐप ओपन कर लेंगे, हम अपना मैच सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 27 अक्टूबर को ये मैच है। अब हम चलते हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पे सबसे पहले और जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट। तो ये मैच होने वाला है चिदंबरम स्टेडियम में। अगर ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें तो 65 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री है एंड 68 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री है। अगर पिच की बात करें तो पिच इक्वली फेवर करती है बैट्समैन एंड बॉलर्स को, बैलेंस पिच है। यहाँ पर आपको इवन सिलेक्शन रखना है बैट्समैन एंड बॉलर्स को लेकर अपने लाइनअप में। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 249 का एवरेज स्कोर है, और एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग की बात करें तो 7 विकेट्स, और अभी तक जितने भी पहले मैचेस हुए हैं इस पिच पे उसमें 250 से 300 के बीच में ही स्कोर रहा है। अगर टॉस ट्रेंड्स की बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतती है वो ज़्यादातर इस पिच पे बैटिंग फर्स्ट प्रेफर करती है, 63% फॉर बैटिंग फर्स्ट एंड 37% फॉर चेजिंग। और अगर विनिंग की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट 38% विन करती है एंड 62% टाइम चेजिंग टीम विन करती है। अब अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स एंड स्पिनर्स इक्वली सपोर्ट करती है पिच, इक्वली चलते हैं इस पिच पे पेसर्स और स्पिनर्स, तो आपको इवन सिलेक्शन रखना है पेसर्स और स्पिनर्स को भी लेकर। स्ट्राइकिंग बॉलर्स को ज़्यादा महत्व दीजिए अपनी टीम में। तो ये था वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट का डेटा। अगर आप और डिटेल में वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट का डेटा जानना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने इस पिच पे जो पहले मैचेस खेले हैं और साउथ अफ्रीका ने जो पहले इस पिच पे मैचेस खेले उसमें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, कौन थे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इस पिच पे, कौन थे टॉप प्लेयर्स, अगर आप ये डेटा जानना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि stake.com आपके लिए लाया है एक धमाकेदार क्रिकेट एक्शन ऑफर। अभी विजिट करिए stake.com और आप पा सकते हैं 1,00,000 तक का बोनस। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उस पर क्लिक करना है और यूज़ करना है कोड लाइनअप और आप पा सकते हैं 1,00,000 तक का बोनस। तो अब वेट मत करिए, अभी विजिट करिए stake.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है टॉप प्लेयर्स फैंटसी पॉइंट्स के बेसिस पे। तो उसके लिए हम चलते हैं चीट शीट पे। चीट शीट पे हमें लास्ट 5 मैचेस के बेसिस पर डेटा मिल जाता है। तो अगर हम टोटल फैंटसी पॉइंट्स की बात करें तो 428 पॉइंट्स के साथ है मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर हैं पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं ये लास्ट के कुछ मैचेस से। लास्ट मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था उसमें 2 कैच पकड़े थे, 46 रन्स बनाए थे। उसके पहले इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 49 रन्स बनाए थे। उसके पहले जो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था उसमें तो काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, 131 रन बनाए थे, 3 कैच पकड़े थे। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं ये, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं विकेट कीपिंग पोजिशन पर। नेक्स्ट है 406 पॉइंट्स के साथ मार्को जेनसन, ये ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका से, कमाल की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लास्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें 2 विकेट लिए थे, 1 कैच पकड़ा था। उसके पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ पारी खेली थी उसमें 75 रन्स बनाए थे, 2 विकेट लिए थे। उसके पहले जो नीदरलैंड के खिलाफ पारी खेली थी उसमें 2 विकेट लिए थे, 1 कैच पकड़ा था। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं ये, और एज ए ऑलराउंडर ये आपकी टीम में होने चाहिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ये आपको अर्न करके देंगे बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। नेक्स्ट है 369 पॉइंट्स के साथ क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपर हैं साउथ अफ्रीका से, ये भी कमाल की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लास्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें 174 रन्स बनाए थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके पहले इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 109 रन की पारी खेली थी, 2 कैच पकड़े थे, कमाल की पारी खेलते आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। ऑलरेडी 3 सेंचुरी मार चुके हैं एंड 1 1.5 सेंचुरी भी मार चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी पारियां खेलते आ रहे हैं, इनको आप ज़रूर कंसिडर करिए अपनी टीम में।
नेक्स्ट है 346 पॉइंट्स के साथ अब्दुल्ला शफीक, बैट्समैन है ये पाकिस्तान से, ओपनिंग बैट्समैन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। लास्ट मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था उसमें 58 रन मारे थे, उसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था उसमें भी 64 रन मारे थे, उसके पहले जो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था उसमें 113 रन मारे थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में एज अ बैट्समैन। नेक्स्ट है 344 पॉइंट्स के साथ शाहीन अफरीदी, बॉलर हैं ये पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 10 रन मारे थे, 5 विकेट लिए थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके पहले इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 2 विकेट लिए थे, उसके पहले श्रीलंका के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 1 विकेट लिया था, तो स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, इनको आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अपनी टीम में। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स निकाल के देंगे, तो आपको इनको कंसिडर करना चाहिए अपनी टीम में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स। तो 86.5 पॉइंट्स के साथ हैं अब्दुल्ला शफीक, बैट्समैन है पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। 85.6 पॉइंट्स के साथ हैं मोहम्मद रिजवान, विकेटकीपर हैं पाकिस्तान से। 81.2 पॉइंट्स के साथ हैं मार्को जेंसन, ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका से। 73.8 पॉइंट्स के साथ हैं क्विंटन डिकॉक। 68.8 पॉइंट्स के साथ हैं शाहीन अफरीदी, बॉलर हैं पाकिस्तान से। तो टोटल फैंटेसी पॉइंट्स में भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी एंड एवरेज परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। इन सारे प्लेयर्स का डेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है पाकिस्तान की टीम रैंक। तो फर्स्ट पोजीशन पे हैं अब्दुल्ला शफीक, बैट्समैन है पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रन स्कोर कर चुके हैं, इस वर्ल्ड कप में भी 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, 1 सेंचुरी मार चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। सेकेंड पोजिशन पर हैं मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं शाहीन अफरीदी, बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 विकेट लिए थे वो तो कमाल की ही परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हैं हसन अली, ये भी बॉलर हैं पाकिस्तान से, लास्ट के कुछ मैचेस से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अफगानिस्तान के खिलाफ अभी जो मैच था उसमें 1 ही विकेट लिया था, इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसमें 1 विकेट लिया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 4 विकेट लिए थे, तो ये भी स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप चाहें तो इन्हें कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। फोर्थ पोजीशन पे आते हैं पाकिस्तान की टीम में, और फोर्थ पोजीशन पे सेम परफॉर्मेंस के साथ हैं हैरिस रॉफ, बॉलर हैं पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 विकेट लिए थे, उसके पहले जो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था उसमें 2 विकेट लिए थे, उसके पहले जो नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेला था उसमें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 3 विकेट लिए थे, 16 रन मारे थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस मैच में, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। फोर्थ पोजीशन पे आते हैं ये पाकिस्तान टीम से। अब हम बात करते हैं टीम रैंक साउथ अफ्रीका की, तो फर्स्ट पोजीशन पे है मार्को जेंसन, कमाल की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका से। सेकेंड पोजीशन पे है क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपर है साउथ अफ्रीका से, काफ़ी सेंचुरीज हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। थर्ड पोजीशन पे हैं कगिसो रबाडा, बॉलर हैं साउथ अफ्रीका से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लास्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें 2 विकेट लिए थे, उसके पहले इंग्लैंड के खिलाफ 1 विकेट लिया था, उसके पहले नीदरलैंड के खिलाफ 2 विकेट लिए थे, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 3 विकेट लिए थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, पेसर हैं, स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, इनको भी कंसिडर करना चाहिए आपको अपनी टीम में। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन पे हैं हेनरिक क्लासेन, विकेट कीपर हैं साउथ अफ्रीका से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लास्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें 90 रन मारे थे, उसके पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 109 रन मारे थे, उसके पहले नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें 28 रन मारे थे, एक कैच पकड़ा था, तो लगातार 2 मैचेस से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। फिफ्थ पोजीशन पे रीज़ा हेंड्रिक, बैट्समैन है ये साउथ अफ्रीका से, अभी 2 मैचेस में ही मौका मिला है, उसके पहले वर्ल्ड कप के कोई मैचेस खेले नहीं थे इन्होंने, लास्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो पारी खेली थी उसमें 85 रन बनाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर। अब्दुल्ला शफीक बैट्समैन है पाकिस्तान से, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है पाकिस्तान से, रीज़ा हेंड्रिक बैट्समैन है साउथ अफ्रीका से, मार्को जेंसन ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका से, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर हैं साउथ अफ्रीका से। तो ये था डेटा चीट शीट का, अगर आप और डिटेल में चीट शीट का डेटा जानना चाहते हैं जैसे कि कौन है प्लेयर्स विद एक्स फैक्टर,
अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करती है तो कौन होंगे टॉप प्लेयर्स, अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करती है तो कौन होंगे टॉप प्लेयर्स। अगर आप ये डेटा जानना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सजेशन। तो यहाँ पर हमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सजेशन दिख जाते हैं। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से विकेट कीपर हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। अभी हमने इनके स्टैट्स देखे, काफ़ी अच्छे स्टैट्स थे, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। नेक्स्ट है मार्को जेंसन, कमाल की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। ये आपको बॉलिंग से भी एंड बैटिंग से दोनों से पॉइंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल्ला शफीक, बैट्समैन है ये पाकिस्तान से, काफ़ी अच्छी परफॉर्म करते आ रहे हैं, पिछले 3-4 मैचेस से काफ़ी अच्छा बल्ला चल रहा है, कंसिस्टेंसी है एक परफॉर्मेंस में, ओपनिंग बैट्समैन है, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। नेक्स्ट है शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान से बॉलर हैं, पेसर हैं, स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, तो इनको भी आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। नेक्स्ट है क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका से विकेट कीपर हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 150 रन भी बना चुके हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको भी कंसिडर कर सकते हैं आप अपनी टीम में एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो अभी तक हमने जितना डेटा एनालिसिस डिस्कस किया उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं एक फैंटेसी टीम। बस आपको जाना है कस्टम टीम बिल्डर पे, अपने बेसिस सिलेक्ट करने हैं, अपना फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप टीम बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ टीम सेलेक्ट करने हैं, प्लेयर्स को प्रेफर्ड, लॉक और एक्सक्लूड करना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं एक परफेक्ट फैंटेसी टीम जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो देखा आपने परफेक्ट लाइनअप के साथ कितना आसान है एक परफेक्ट फैंटेसी टीम जनरेट करना और उसे एक्सपोर्ट करना अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप और डिटेल एनालिसिस चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं AI जनरेटेड टीम्स भी, तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था डिटेल एनालिसिस पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।